हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल बेसिक इंटरफेस के बारे में। ईडीएस क्या है, बेसिक इंटरफेस क्या होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लेक्सिबल इंटरफेस के बारे में, कि इसका इंटरफेस कितना फ्लेक्सिबल होता है। आइए फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं। चलो आपको देखने के दिखाने के लिए, इसका जो इंटरफेस जो होता है, ये आपका बीन होता है और ये प्रीव्यू विंडो होती है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप इनको यहाँ से इनकी सेटिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, इसको आप नीचे कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपको और भी मान लो बड़ा करना है अपनी टाइमलाइन को, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से किसी फुटेज को अगर आपने ओपन करना है या यहाँ पे आपने बीन बनाना है, वो भी आप बना सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है हमेशा, कि इसका ये फ्लेक्सिबल इंटरफेस होता है। आगे मैं आपको बताता रहूँगा और सिखाता रहूँगा, और आप देखते रहिएगा, ताकि जो ना आपको कोई सी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं बेशक। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।